आज मुझे फ्लावर मिला और पता किसने दिया? मेरी स्पेशल वन ने। ओह माय गॉड, एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। आज है थर्सडे, आज भी मेरा एग्ज़ाम है, दो एग्ज़ाम है, टफ वाला। ज़्यादा टफ टफ करते ना तो पढ़ाई नहीं होता। चलो मैस से ना अंडा लेके जाती, देखती हूँ क्या मिल रहा है। लेकिन मैं आज ऑरेंज लेके आई हूँ तो खुशी अभी तक आई नहीं है। आ गई है हमारा मैस। मुझे नहीं लगता अभी मेरे पास टाइम है यहाँ से कुछ भी लेने का, बट फिर भी पूरी मिल रही है शायद। ओके सॉरी सॉरी, आज ना पूरी मिल रहा है, कभी कभी पराठे भी मिलता है। अंडा मैंने पॉकेट में ले लिया है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। आज बहुत लेट टू फर्स्ट पीरियड में क्लास है, सर ना गेट बंद कर देते हैं, तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं और मैं आपको मिलती हूँ स्कूटी में। वाह, तो आज कुर्ता पहन के आया, वाह पता नहीं कॉल कर रहा हूँ। कॉलेज पहुँच गई हूँ और मैं भी जा रही हूँ एग्ज़ाम देने, मैं आपसे मिलती हूँ एग्ज़ाम के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए अभी मैं पेपर दे के बाहर आई हूँ, मत पूछना पेपर कैसा गया है मेरा, मतलब चलो मैं अपने क्लासमेट से पूछती हूँ उनका पेपर कैसा गया है। पेपर कैसा गया? बहुत बेकार, बहुत ज़्यादा बेकार। कैसा गया मुस्कान? और खुशी आपका? पेपर कैसा गया? पेपर कैसा गया बल्लू? जीरो आ रहा है, बहुत अच्छा हुआ। तेरा कैसे पेपर? फुल ऑन, फुल ऑन देख के इसमें देंगे सर। ले नहीं हो, जिसका नंबर कम आ रहा है या फिर जिसका पेपर खराब गया है, ये होता है ना कि आपका बगल वाले का अगर नंबर कम आ रहा है तो आपको खुशी मिलती है। वो अभी मेरा फिलहाल ये कंडीशन है मेरा। अभी इको का पेपर है तो हॉस्टल जाके पढ़ रहा है, क्योंकि इको का पेपर भी टफ आता है। सब्जेक्ट टफ नहीं होता यार, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आता है। मतलब ये दोनों बहुत सीनियर टीचर है, तो ये लोग मतलब सीनियर टीचर की बात नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत टफ पेपर आता है। क्या सोच रहा था? तो क्या कहना चाहता है मतलब यार? सोचा था पढ़ूंगी, नहीं हो रहा है भाई पढ़ाई। अभी हम जा रहे थोड़ा ना पेट पूजा करने, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट अभी तक किया नहीं, तो हम अभी जा रहे हैं यहाँ बगल में शर्मा विष्णु, वहाँ से खा के फिर आते हैं और फिर पढ़ते हैं। मैं मतलब ऐसे ना हमारा लंच के बाद, मतलब एक दो बजे क्लास है, अभी 10 ही बज रहे हैं, 10:30 हो रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम चलते हैं अभी, फिर आपको मिलाती हूँ वहाँ पर। चलो खुशी के साथ जा रही हूँ मैं, हम दोनों साथ में रहते हैं, हम दोनों वो क्या कहते हैं, हम दोनों जा रहे हैं अभी वहाँ खा के फिर आते हैं। आज क्या खाएंगे यार, देखते मेन्यू बताना माता के। हाँ ठीक है, हम अभी पहुँच गए हैं। अरे हाँ खुला है, खुला है शर्मा विष्णु। अभी हमने ऑर्डर किया है चीज़ सैंडविच, क्योंकि यहाँ पे बाकी सारा मतलब अवेलेबल नहीं है। हम लोग यहाँ आए हैं शर्मा विष्णु पे, यहाँ पे ना मतलब सुबह के टाइम पे, मतलब इतना जल्दी मत आओ, आफ्टर 12 आओ तो यहाँ पे सब कुछ आपको अवेलेबल होगा। अभी जो अवेलेबल था हम लोग वही खा के जा रहे हैं, तो अभी आते हैं और उसको जाते हैं। ये रहा सेठ सैंडविच हम लोग का, अब जो अभी आ गया है हम। अच्छा है ये, सच में बहुत टेस्टी है, ट्राई कर सकते हो इसको आप। बाय बाय। अभी ऑर्डर किया है ये शेक, ये है ओरियो शेक, ये भी बहुत अच्छा होता है। चलो टेस्ट करके बताती हूँ कैसे, मतलब अच्छा ही है यार, मैंने काफ़ी ट्राई किया है ये। एक घंटा बहुत अच्छे से बर्बाद करने के बाद अब जा रहे हैं क्लास अपने टॉपर भैया से पढ़ने के लिए। तो जयेश है हमारा क्लास का टॉपर, तो उससे जाके पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर मैं आपको मिलती हूँ। पता नहीं यार मेरा आज मतलब कब मिलूँगी, तो अभी चलते हैं हम। पता है ये कौन सी रोड है यहाँ पे ना, वो जो नया मूवी नहीं आता आयुष्मान खुराना का, यहीं पे शूट हुआ था वो लास्ट वाला सीन, इसी रोड पे। आज मुझे फ्लावर मिला और पता है किसने दिया? मेरी स्पेशल वन ने। ओह माय गॉड, ये मेरी स्पेशल वन, ये मेरी दोस्त है मुस्कान, और इसके तो आप लोग जानते ही हो। मुस्कान हमें इंट्रो दे दो आप। हाय, क्या तुम इंट्रो है? हाय काफ़ी है। हम लोग का पेपर हो गया ख़त्म, आज का स्लॉट हो गया पूरा। अभी हम जा रहे हैं हॉस्टल और उसके बाद चलो अपने दोस्तों से पूछते पेपर कैसे। ऋषभ, ऋषभ तेरा तो हो गया, तो क्यों बैठा क्यों था वहाँ पे तू इतना देर? अगर देता ना तो सर पेपर पढ़ते और वहाँ पे लग जाती मेरे। फाइनली मैं आ गई अभी हॉस्टल।
आज ना मैंने लंच नहीं किया, देखती हूँ अभी लंच मिल रहा होगा कि नहीं, अभी दिख ही नहीं रहा है तो बड़ा ब्लैक है। हाँ तो मैंने लंच नहीं किया तो मैं अभी जा रही हूँ लंच, देखती हूँ मिल रहा है कि नहीं। वैसे आज थर्सडे तो खाना बेकार ही रहता है और आज मेरे स्टॉक में भी कुछ है नहीं खाने के लिए, सो सैड। यहाँ पे डीमार्ट है लेकिन थोड़ा दूर है मतलब, तो आज शाम को जाऊँगी शायद मैं बाहर। पर मैं आज अपना व्लॉग यही ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि कल दो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए मेरे को पढ़ना पड़ेगा अभी से, और आज दो व्लॉग्स अपलोड करूँगी। आप लोग ये वाला तो देखोगे और इंदौर का एक मेरा पुराना व्लॉग है, मैं गई थी अभी कुछ टाइम पहले, तो वाला भी आज मैं डाल दूँगी। तो चलिए पहले मेस जाते हैं और देखते कुछ है क्या। तब मेस में अभी कुछ होगा क्योंकि सफाई वफाई हो रहा है। ओह खाना है, माय गॉड्स, फ्राइड राइस और ये रायता और आलू सब्जी है, पर मैं अभी खाऊंगी ज़रूर, प्लेट ही नहीं है। और यहाँ पे पूड़ी है, खाना तो मुझे मिल गया है। ये रायता है बूंदी वाला जो मुझे बहुत पसंद होता है, हॉस्टल का रायता स्पेशली, और पूड़ी है, आलू की सब्ज़ी है, वो तो मैंने दिखाई दिया था। चलो मैं खाना खा लेती हूँ, मैं मिलती हूँ। नहीं आज के लिए बस इतना ही, कल मिलती हूँ एक नई ब्लॉग के साथ। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। एंड ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।